हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए लेके आया हूँ ऑल न्यू ड्यूक 200 का लेटेस्ट वर्जन। दोस्तों, इस वाले वेरिएंट के अंदर जो भाई कंपनी ने काफी कुछ चीजें जो है यहाँ पे अपग्रेड कर दिया है। और क्या इसका प्राइस पॉइंट कंपनी ने रखा है पहले से जो है, प्राइस को लेके क्या अपडेट है और क्या क्या फीचर इसके अंदर अपडेट हुए, हर एक चीज के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप भी इस साल जो है KTM Duke 200 खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई बाइक के फ्रंट से। तो ओवरऑल आप बाइक के फ्रंट का लुक देख सकते हो। इसके अंदर जो है कंपनी ने ओल्ड शेप ड्यूक 390 की जो है यहाँ पे लाइट इंस्टॉल कर दी है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे LED DRLs देखने को मिल जाएंगे और आपकी जो रिफ्लेक्टर बेस LED हेडलाइट का सेटअप यहाँ जो आपको देखने को मिलता है। ये जो आपका हाई बीम और लो बीम के साथ में आता है। अभी डे लाइट में आपको जो है इसके DRL कितने विजिबल होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन इसके जो DRLs हैं वो यहाँ पे ऑन हो चुके हैं। और साथ ही मैं आपको दिखा दूं कि कंपनी ने अब बाइक के अंदर हैजार्ड सिस्टम जो है वो ऐड कर दिया है। इंडिकेटर इसके LED आते थे और आप जो है सामने से देख सकते हो कि इसके अंदर कंपनी ने हैजार्ड सिस्टम को जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। तो ये जो है इसके अंदर मेन बदलाव हुए हैं। और इस बाइक के अंदर दोस्तों, आपको अगर आप 200 CC कैटेगरी के अंदर किसी बाइक को देखते हो तो भाई ये बाइक मैं कहूंगा कि उनमें से एक ऐसी बाइक है या 200 CC कैटेगरी के अंदर जो मोस्ट लोडेड बाइक है, जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा फीचर्स वगैरह जो है अब देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि अब इस बाइक के अंदर दोस्तों आपको WP एपेक्स कंपनी के USD सस्पेंशन का सेटअप भी देखने को मिलता है। साथ ही में अगर मैं इसके ब्रेकिंग की बात करूं तो दोस्तों, इस बाइक के फ्रंट में आपको जो है यहाँ पे 3 mm की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें बाइब्रेक कंपनी का 4 पिस्टन ब्रेक कैलिपर देखने को मिलता है। डुअल चैनल ABS के साथ में जो है ये बाइक आती है। और साथ ही में अगर मैं टायर साइज की बात करूं तो इस बाइक के फ्रंट में आपको जो भाई 110/70 R17 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है भाई, अलॉय व्हील के साथ में। साथ ही में दोस्तों, अगर मैं इस बाइक के साइड की लुक की तरफ आपको लेके चलूं तो आप जो है साइड से देख सकते हो कि ओवरऑल जो आपको बाइक जो है साइड से देखने में सेम ही लगेगी। बाइक के अंदर जो है भाई आपको यहाँ पे जो बदलाव हुए वो मैं आपको दिखा दूं कि जो इसका टैंक है वो अब कंपनी ने न्यू शेप वाले जो इसके अंदर डाल दिया। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो यहाँ पे आपको भाई 13 लीटर का जो है फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको टैंक काउल देखने को मिल जाएंगे, जिसपे आपको ड्यूक 200 की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी KTM 200 की। और पीछे की तरफ जो आपके पैनल रहने वाले इस पे भी आपको ड्यूक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। साथ ही में यहाँ पे आपको स्प्लिट ग्रैब रेल जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं और टेल लाइट वगैरह जो है इसकी LED सेटअप आपको देखने को मिलेगा, साथ ही में LED इंडिकेटर के साथ। और इस बाइक के रेयर में आपको दोस्तों यहाँ पे WPFX का जो है मोनो सस्पेंशन भी देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ इस बाइक के इंजन की तो दोस्तों, इस बाइक के अंदर कंपनी ने जो है न्यू इंजन दिया है कम्प्लीटली, जो कि आपका BS6 वाला, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो इस पे BS6 का जो ये अपडेटेड वर्जन है इस इंजन का। और ये दोस्तों मैं आपको बता दूं 200 CC का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है, जिसकी भाई मैक्स पावर आपको यहाँ पे 24 BHP और मैक्स टॉर्क जो है यहाँ पे 19 Nm का जो है देखने को मिलता है। फ्रंट में जो आप इसका रेडिएटर को यहाँ पे चेक कर सकते हो तो ये इसका रेडिएटर यहाँ पे रहने वाला है। और अंडर बेली एग्जॉस्ट आता बाइक के अंदर, एडजस्टेबल इसके जो है भाई फुटरेस्ट रहने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं इस बाइक के रेयर से टायर साइज की तो रेयर में जो आपको 150 सेक्शन का जो है टायर साइज देखने को मिलता है। यहाँ से जो आप चेक भी कर सकते हो 150/60 R17 का ट्यूबलेस टायर आता है बाइक के रेयर में। और पीछे आपको 240 mm की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि आपकी सिंगल पिस्टन वाइब्रे ब्रेक कैलिपर के साथ में आती है। ओवरऑल बाइक की ब्रेकिंग वगैरह जो है काफी ज्यादा बेहतरीन हो चुकी है, बाइक की परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है। मेरे ख्याल से भाई इंडियन मार्केट में 200 CC कैटेगरी के अंदर इससे बढ़िया परफॉर्मेंस शायद ही किसी और मोटरसाइकिल की हो। कैटेगरी के अंदर जो इसका कंपटीशन है वो है भाई NS 200, जो कि पल्सर की है। और उसमें अगर आप देखने जाओ, आज के टाइम में लेने जाओ, तो आपको काफी ज्यादा आउटडेटेड लुक्स वगैरह जो उसकी देखने को मिलती है। अगर आप 200 CC कैटेगरी में KTM ड्यूक की तरफ जाते हो तो इसके अंदर आपको एकदम फ्रेश लुक देखने को मिलती है। साथ ही में आपको जो है न्यू अपडेटेड फीचर्स वगैरह जो है देखने को मिल जाते हैं। और मैं जो आपको एक बार इसकी डिस्प्ले चेक करा दूं भाई, तो यहाँ पे जो आपको 5 इंची की कलर TFT डिस्प्ले जो है इसके अंदर देखने को मिल जाती है। कंट्रोल्स वगैरह की बात करूं तो
तो ये इसके कंट्रोल्स रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको पास लाइट देखने को मिल जाएगा, लो बीम, इसको आगे पुश करोगे तो हाई बीम पे बाइक चली जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विच गेयर चेंज हो चुके हैं, हैजार्ड लाइट का स्विच आ चुका है यहाँ पे आपके TFT स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए, मेन्यू कंट्रोल्स के लिए यहाँ पे बटन आ चुके हैं, ये आपका इंडिकेटर हो गया नीचे, यहाँ पे आपको हॉर्न का स्विच देखने को मिलता है। और इस तरह में दोस्तों आप देख सकते हो इंजन किल स्विच और यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच देखने को मिल जाता है। और मैं जो एक बार इसकी डिस्प्ले को ऑन कर लेता हूँ, आई होप कि भाई आप लोगों को ये क्लियर विजिबल हो। अभी पीछे से जो भाई धूप पड़ रही है, मैं जो थोड़ा इसको ऐसे कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि कंपनी ने इसके अंदर न्यू TFT जो यहाँ पे स्क्रीन को एड ऑन कर दिया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अंदर आपको जो है यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन आप देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ चेक कर पा रहे हो, ये आपका भाई क्लॉक हो गया, लो ऑयल का हो गया, इंजन मैन फंक्शन, ABS का, गियर पोजिशन इंडिकेटर, ये आपका टेम्परेचर का हो गया जो की अभी लो बता रहे हैं, साइड स्टैंड की वार्निंग होगी, ABS आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कौन से मोड में है। नीचे आप देख सकते हो बाइक के किलोमीटर, बैटरी वोल्टेज, यहाँ पे आपको स्पीड बताएगा माइल्स पर आर किलोमीटर में, ट्रिप मीटर, RPM मीटर, और यहाँ पे आपको फ्यूल का लेवल देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो अभी लो दिखा रहा है। और मैं जैसे इसके मेन मेन्यू के अंदर जाता हूँ, आप देख सकते हो फ्यूल वार्निंग आ रही है, और ये आपकी स्पीड होगी, आपका मेन्यू होगा, मेन्यू के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में जाओगे तो यहाँ पे ABS की सेटिंग देखने को मिलती है, अभी ये रोड मोड में है, और जैसे ही मैं इसको ऐसे चेंज करूंगा सुपर मोटो मोड के अंदर रियर का ABS यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से जो आप इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। अगेन मैं इसको ऑन कर देता हूँ, बैक चलता हूँ, यहाँ पे आपको जो है आपकी बाइक इन्फो देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी वोल्टेज, ओडोमीटर, सर्विस इंफॉर्मेशन वगैरह जो है यहाँ से आप इसकी चेक कर सकते हो। अगेन आपको नीचे जो है ट्रिप मीटर देखने को मिलता है, ट्रिप वन, ट्रिप टू, यहाँ से जो आप अपने ट्रिप मीटर को यहाँ पे रीसेट कर सकते हो, ट्रिप वन, ट्रिप टू को जो आप यहाँ से जो है रीसेट कर सकते हो। अगेन आपको जो है नीचे यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन और आपको GPS वाले जो फीचर्स है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, और इसको आप तभी एक्सेस कर पाओगे जब आपका स्मार्टफोन आपकी बाइक से जो है यहाँ पे कनेक्ट होगा। यहाँ पे आपको म्यूजिक के कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाएंगे, और नीचे आपको क्लॉक एंड टाइम जो है वो देखने को मिल जाएगा। मेन सेटिंग्स के अंदर जो मैं एंटर हो चुका हूँ, यहाँ पे ये आपकी मेन सेटिंग्स है, यहाँ पे आपका फेवरेट है, फेवरेट के अंदर आपको जो है डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको अलग अलग जो है यहाँ पे आपको फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे कि आपको यहाँ पे फेवरेट्स के अंदर क्या क्या चीजें जो है एड ऑन करनी है। क्विक शिफ्टर आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है, आप एंड डाउन यहाँ से जो आप इसको ऑन या ऑफ जो यहाँ पे आप कर सकते हो। अगेन आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, ब्लूटूथ फोन पेयरिंग, आपका हेडसेट पेयरिंग, हेडसेट टाइप आपका ठीक है, वो सारी चीजें जो आप यहाँ से कनेक्ट कर पाओगे। शिफ्ट लाइट आपको शिफ्ट लाइट को कब एक्टिवेट करना है तो उसको आप तभी जब आपकी बाइक की फर्स्ट सर्विस हो जाएगी तब आप जो शिफ्ट लाइट को जो है यहाँ पे सेट कर पाओगे, यानी कि जो आपकी RPM रेंज आप उसको सेट कर पाओगे। नीचे आपका क्लॉक एंड टाइम है, यहाँ पे आप अपनी क्लॉक डेट और क्लॉक का फॉर्मेट और डेट का फॉर्मेट वगैरह जो है यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो। और दोस्तों मैं कहूंगा कि भाई इस सेगमेंट के अंदर ये इकलौती ऐसी बाइक बन गई है अब जिसके अंदर आपको यहाँ पे क्विक शिफ्टर वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है, 6 स्पीड का गेयरबॉक्स बाइक के अंदर आपको देखने को मिलता है, और साइड स्टैंड वगैरह जो आपको देखने को मिलता है, इंजन कट ऑफ स्विच वगैरह जो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। साथ ही में इस बाइक के अंदर आपको क्लच आपको जो यहाँ पे नॉर्मल देखने को मिलता है। एक चीज की कमी रहेगी कि कंपनी ने इसके अंदर स्लीपर क्लच को जो है एड ऑन नहीं किया, अगर वो और एड ऑन हो जाता है यहाँ पे तो ये बाइक मैं कहूंगा कि भाई मोस्ट लोडेड बाइक हो जाती 200cc कैटेगरी की, लेकिन अभी भी जो है कोई कुछ कम नहीं है भाई, ये अभी भी आपको जो है फर्स्ट सेगमेंट वाले फीचर जो है इसके अंदर देखने को मिलते हैं। पावर परफॉर्मेंस का बहुत तगड़ा ये एक मैं कह सकता हूँ पैकेज है, जो आप सिटी यूज और जो है हाईवे यूज के अगर आपको मिक्स राइडिंग अगर आप करते हो तो उस केस में जो है ये काफी बेहतरीन बाइक होने वाली है। और इसके अंदर आपको भाई ब्रेकिंग वगैरह बहुत जबरदस्त देखने को मिलती है, यहाँ से आप चेकिंग कर सकते हो भाई, ये इसका मास्टर सिलेंडर यहाँ रहने वाला है। 4 पिस्टन जो है ब्रेक कैलिपर आते हैं इस बाइक के अंदर, जो कि भाई अब तक की 200cc कैटेगरी के अंदर किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिलते, अलावा KTM के। सिर्फ KTM एक ऐसी ब्रांड है जो आपको 200cc कैटेगरी के अंदर भी भाई यहाँ पे 4 पिस्टन ब्रेक कैलिपर प्रोवाइड कराता है। ओवरऑल बाइक आप देख सकते हो पावर परफॉर्मेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, और अगर माइलेज की बात करते हो, अगर आप प्यार से चलाओगे
तो भाई ये बाइक आपको जो है 30 से 35 की माइलेज देगी, और अगर आप इसको रेस चलाओगे तो भाई उस केस में आपकी माइलेज जो है यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी, करीबन आपको 25 से 30 की माइलेज जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी भाई। सारा कुछ डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल पे। तो और दोस्तों मैं आपको इस बाइक का ऑन रोड प्राइस बता दूं, तो दिल्ली के अंदर इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है 2,33,000 रुपए ऑन रोड प्राइस, जो आपको KTM Duke 200 न्यू जनरेशन का है देखने को मिल रहा है। और ये दोस्तों ये बाइक आपकी अवेलेबल है न्यू दिल्ली मोतीनगर KTM के शोरूम में, जो कि आप मेरे सामने देख सकते हो। इस बाइक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वारीज वगैरह है तो आप जो शोरूम को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कॉन्टेक्ट डिटेल मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपको जो है स्क्रीन पे भी देखने को मिल जाएगी। बाकी भाई मुझे तो ये बाइक पर्सनली बताऊं तो अपने ओपिनियन बताऊं तो काफी बेहतरीन लगती है, बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसके अंदर आपको भाई फर्स्ट सेगमेंट वाले फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ भाई पावर वगैरह बहुत जबरदस्त है, और क्योंकि अब तो ये अपडेट भी हो चुकी है तो आपको जो इसके लुक्स भी जो है यहाँ पे ओल्ड में लगने वाले, लाइक आपकी जो भाई पल्सर NS200 है उसके जो लुक्स है वो काफी ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं, और उसके अंदर फीचर्स वगैरह भी कुछ खास नहीं आते। इसके अंदर आपको सारी तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी, और पावर पिकअप बहुत जबरदस्त है। मैं चाहता हूँ कि भाई अगर आपको सिटी में चलाने के लिए चाहिए ना कोई बाइक, या डेली ऑफिस आना जाना हो आपको, तो आप वो काम इस बाइक से कर सकते हैं। और आपको कभी कभी जैसे कि भाई संडे राइड वगैरह पे भी जाना हो तो भी जो आप इसको प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि ये जिस सेगमेंट की बाइक है उस सेगमेंट में इसका कोई तोड़ नहीं, और सर्विस वगैरह का भी खर्चा इसका जो कुछ ज्यादा आपका नहीं है, नॉर्मल सर्विस आती है बाइक के अंदर भी, मतलब सर्विस कॉस्ट जो हैगी वो भी आपको जो यहाँ पे नॉर्मल देखने को मिल जाएगी। स्पेयर पार्ट्स आपको पता भाई KTM के अब जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर इतना ज्यादा फैल चुका है ना भाई KTM की, आपको इसके जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह है ना वो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, उसमें भी आपको जो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इस टाइप की वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।